लॉकडाउन के चलते ही जहां इंदौर में राशन की समस्या को खत्म करने के लिए डोर टू डोर राशन के ऑर्डर लेकर घर तक राशन पहुंचाया जा रहा है, जिसके चलते कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि राशन की इस व्यवस्था को और अच्छी बनाने के लिए कोशिश की जा रही है कि हर वार्ड में कम से कम 15 दुकानें ऐसी निश्चित की जाए जहां से दुकानों के माध्यम से लोगों को राशन घर पर मिल सके। वहीं आलू प्याज की कालाबाजारी पर कहा कि जहां पर भी ऐसा पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोरोना वायरस के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं उसके चलते कई लोग ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। वहीं निजी अस्पतालों को भी आदेश दिए हैं, साथ ही जो पैरामेडिकल स्टाफ है जो नहीं आ रहा है उनकी सूची कल तक मंगवाई गई है, अगर वह नहीं आते हैं तो उन्हें कल अरेस्ट कर लिया जाएगा। नए अधिकारी आ गए हैं, 17 तो नहीं आए हैं, मेरे ख्याल से 9 या 10 आए होंगे। इसमें जो हमारे 11 जोन यहाँ 11 CSP क्षेत्र हैं, हर CSP क्षेत्र में एक SDM, अभी एक SDM दो क्षेत्र ऐसी तरह से देख रहे थे, तो हर 11 क्षेत्र में जो CSP हैं उनके SDM को एक SDM मिल जाएगा वहाँ पर, ताकि फील्ड में SDM का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको जैसे कोई पॉजिटिव केस आता है उस एरिए की सैनिटाइज करना, उसको क्वारंटाइन करना, उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, वहाँ पर उसको पूरे एरिए को कंटेनमेंट करके उसको सख्ती कराना, वहाँ पर वो सब कार्रवाई होती है पुलिस के साथ मिल के। तो सभी CSP के साथ SDM हो जाएंगे और सभी जो 5 एडिशनल SP हैं उनके साथ में एक ADM हो जाएंगे। इस मान से सरकार ने अधिकारी दिए हैं, कुछ अधिकारी और भी मिले हैं जिनको, जैसे चंद्रमली शुक्ला है, उनको ग्रीन अस्पतालों के मैनेजमेंट में लगाया है और 2011 बैच के IAS हैं वो। ऐसे चैतन्य जो हैं उनको येलो अस्पतालों के मैनेजमेंट में लगाया है, संतोष टैगोर चैतन्य जी के साथ में है। इस प्रकार से अधिकारियों का कार्य का बंटन कर रहे हैं। मतलब पूछो देखिए, एक तो किराना सप्लाई की सिस्टम को हम लोग और ज़्यादा कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि हर वार्ड में 15 दुकानें कम से कम खुले हैं। तो दुकान नहीं खुलेंगी, दुकान के सप्लायर्स जो हैं घर घर सप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। तो अगले 3-4 दिनों में वो भी मुझे लग रहा है कि हो जाएगी। कल भी हम लोगों ने कमिश्नर नगर निगम के साथ में पूरी चर्चा की थी, उनकी मीटिंग भी हुई है। और आलू प्याज की जरूर शिकायतें मिल रही हैं, उसमें मैं आप लोगों के माध्यम से सचेत करना चाहता हूँ, जो भी आलू प्याज के सप्लायर्स हैं अधिक रेट पे ना बेचें हमने अपने आदेश में लिखा हुआ है कि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी अपने को देखना पड़ेगा कि जो आलू प्याज सप्लाई कर रहे हैं वो किसी प्रकार की इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, उसके लिए मैंने बोला भी है पता करें कौन लोग कालाबाजारी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। बाकी तो रेट ठीक दिख रहे हैं, पर आलू प्याज थोड़ा शिकायतें हैं, उसको भी हम लोग ठीक कर रहे हैं। दूसरा, हम लोगों ने जो मालवा क्षेत्र के लिए पूरे और इंदौर जनसंभाग और इसके लिए आटा की दाल मिलें जो थी, उतना हम उतनी संख्या में हम लोगों ने चालू करवा दी हैं पिछले 4-5 दिनों में, कि पूरे इंदौर उज्जैन संभाग में जहाँ जहाँ सप्लाई होती थी आटे की दाल की वो सप्लाई होती रहे। और ऑनलाइन शॉपिंग वालों को भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी जल्दी से जल्दी वो लोग सिस्टम चालू कर सकते हैं और तेज़ी से सप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं उसको। अस्पतालों की देख बात की जाए तो ESI अस्पताल हमारा येलो कैटेगरी में आज से प्रारंभ हो रहा है। आज अभी तक लगभग 32 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, अगले 2 दिन में 20 से 25 और संभावना है, उनकी रिपोर्ट जैसी सेकंड निगेटिव आ जाएगी, क्योंकि हम लोग की सैम्पलिंग बहुत हो रही है तो उस कारण जो हमारी टेस्टिंग लैब है उससे बड़ा प्रेशर है। तो वो और हम लोग की प्रायोरिटी ये है कि येलो अस्पताल में जो पेशेंट्स हैं या अन्य अस्पतालों में जो पेशेंट्स हैं उनकी पहले सैम्पलिंग, उनकी पहले टेस्टिंग रिपोर्ट्स आ जाएँ, ताकि वहाँ के लोगों के बारे में निर्णय ले सकें। जो भी उसमें जो भी आ रहे हैं 10 में से 2 अगर कोविड पॉजिटिव आते हैं तो उनको हम लोग शिफ्ट कर दें। ESI अस्पताल येलो शेडिंग में आज आ गया है और आज से मैंने उसके दोपहर से उसे पेशेंट शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। चोइथरा में तैयारी चल रही है हम लोगों की, चोइथरा में भी हम लोग रेड शेडिंग में ले रहे हैं, ट्रीटमेंट होगा। वहाँ के जो पेशेंट्स का जो अन्य स्थिति थी वो भी हम लोगों ने सब जगह टाई अप करा दिया है, कहीं किसी को पेशेंट को दिक्कत नहीं आएगी। और ग्रीन अस्पताल को लेकर के आज मैं आदेश जारी कर रहा हूँ कि किसी भी मरीज को मना नहीं कर सकते हैं, वो बाहर स्क्रीनिंग टेबल लगाएं, पहले भी दिया था स्क्रीनिंग टेबल लगाएं। सभी अस्पतालों में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है कि किसी पेशेंट को कोई आता है वहाँ पर तो जो निर्देश हम लोगों के हैं सभी अस्पताल वाले बाध्यकारी हैं कि उन निर्देशों के तहत सेवा करें लोगों की। कुछ डॉक्टर्स भी जो नहीं जा रहे थे कंसल्टिंग डॉक्टर्स, उनको भी नामजद ड्यूटी लगाई गई है, वो भी जाएंगे। अगर नहीं जाते हैं तो उनको प्रैक्टिस के लिए जो भी लाइसेंस मिलता है उसको बंद कर देंगे, निरस्त कर देंगे हम लोग, उसको प्रस्ताव भेजेंगे। और जो पैरामेडिक स्टाफ है या जो है उसके लिए भी कल तक की समय दिया है हम लोगों ने, या कि वो आ जाएँ
और नहीं तो हमें सूची बना के दें, हम लोग अरेस्ट करेंगे उनको। तो हर फ्रंट पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी।